जिला कांगड़ा के उपमंडल नूरपुर के तहत आते औद्योगिक क्षेत्र नगलाहड़ में स्थित एक दवा कंपनी में कार्यरत कामगारों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोलते हुए हड़ताल की है। कामगार संघ के पदाधिकारी ने आरोप लगाया है कि कामगारों की नियुक्ति के दौरान कंपनी की जो शर्तें थी, प्रबंधन अब उन शर्तों को नहीं मान रहा है और कामगारों के मौलिक अधिकारों का शोषण किया जा रहा है। कंपनी में सेवाएं दे रहे करीब 85 कामगार बीते दो दिन से कंपनी के द्वार पर हड़ताल में डटे हुए हैं। हड़ताली कर्मियों का कहना है कि उन्हें कंपनी रोल पर रखा जाए। इस बाबत उन्होंने कंपनी हेड व नूरपुर प्रशासन को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है कि कंपनी प्रबंधन की आए दिन तानाशाही फरमानों से उन्हें निजात दिलाकर उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। हड़ताली कामगारों अनुसार उनकी मुख्य मांगों में अनुबंध कर्मियों को कंपनी रोल पर रखना मुख्य मुद्दा है, जो कि लंबे अरसे से लटका हुआ है। नियुक्ति के दौरान भरोसा मिला था कि कर्मियों को 3 या 6 महीने के ऑब्जर्वेशन पर रखने के बाद ही कंपनी रोल पर किया जाएगा, लेकिन लंबा अरसा बीतने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पद देना, कंफर्म और ज्वाइनिंग पत्र देना, ड्यूटी का समय निर्धारित होना व किसी प्रकार का शोषण न होना, ओवरटाइम का पूरा देय भत्ता देना, साथ में ज्वाइनिंग के समय कंपनी द्वारा तय किया गया था कि कामगारों की 3 माह के भीतर कंपनी रोल पर लेना, मिलने वाली तनख्वाह कंपनी को द्वारा देना, लेबर एक्ट के तहत सभी सुविधाएँ देना, कर्मियों से किसी प्रकार की अभद्रता न करना, सरकारी जो छुट्टी व रविवार के दिन किए गए कार्य का 2 गुना भत्ता देना आदि प्रमुख शर्तें निर्धारित थी, लेकिन कंपनी प्रबंध अब इन सबसे पल्ला झाड़ रही है, जो कि कामगारों से घोर अन्याय है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यवाही अमल में लाकर उन्हें न्याय दिलाया जाए और कंपनी के कामगारों को कंपनी रोल पर रखने के आदेश दिए जाएं। राकेश चौधरी लेबर इंस्पेक्टर श्रम विभाग नूरपुर ने बताया कि नगलाहड़ स्थित हड़ताली कर्मियों पर मौके पर जांच कर उनकी समस्याओं को सुना गया है, कंपनी प्रबंधन से भी बात हुई है, सारी समस्याओं को शीघ्र हल करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं यहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एज ए टेक्नीशियन काम करता हूँ और सर यहाँ पे जो है हमारे बेसिक मुद्दे हैं, हमने जब कंपनी ज्वाइन करी थी तो एचआर की तरफ से हम लोगों को बताया गया था कि आपको एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी 3 महीने या 6 महीने के अंदर आपको कंपनी ऑब्जर्वेशन पे रहना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को कि हम 6 महीने के बाद कंपनी रोल पे ले लेंगे कि आपका मतलब व्यवहार चेक करना है कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था इनके बोलने पे भी एक भरोसा था कि ठीक है हम लोगों को बोल रहा है। हम लोग लॉकडाउन की वजह से कई लोग कहीं से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई गुड़गांव से आया, कोई बद्दी से आया कि घर के पास यहाँ पे नौकरी कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ क्या मुद्दा हो गया सर, बेसिक मुद्दे यही है कि बेसिक जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ, 1-5 रुपये की चाय वर्कर को अवेलेबल नहीं कराई जाती, 8.5 घंटे बंदों से काम लिया जाता है यहाँ पे, और जिसमें क्या है कि 1/2 घंटा लंच का होता है और 20 मिनट जो है रिफ्रेशमेंट चाय की होती है हर कंपनी में, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं दी जाती है सर। ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो ओवरटाइम का मुद्दा है सर, हम जितने लोग काम करने वाले हैं किसी को 35 रुपये घंटे का मिल रहा है, किसी को 40 रुपये घंटे का मिल रहा है, लेकिन जो बंदे काम लेने वाले हैं उनको 100 रुपये 150 रुपये घंटा ओवरटाइम दिया जाता है। आप एग्जीक्यूटिव हो गए, ऑफिसर्स हो गए, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई काम नहीं करता है, जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, काम कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, उनके काम भी जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे वो भी हम ही, ये जो कॉन्ट्रैक्ट के बंदे ये भर रहे हैं। यहाँ पे जो है हमें कंपनी से प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी है, मालिक भी अच्छे हैं जो सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ की जो मैनेजमेंट है सर उनका थोड़ा सिस्टम सही नहीं है। ठीक है जी, और हमारे यही बेसिक मुद्दे हैं कि यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराई जाए, और जो बंदों के साथ धोखे से बोला गया कि किसी को 3 महीने में या 6 महीने में पक्का करेंगे, वो चीज़ सभी को कंपनी रोल पर लिया जाए सर, और यही हमारा मुद्दा है, इसी पर हम बात करेंगे सर। आज सुबह मुझे SDM नूरपुर के माध्यम से पता चला कि यहाँ जो दवाई की फैक्ट्री है MS क्वालिटी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, उसमें कुछ विवाद चल रहा था, तो उनके निर्देशानुसार आज सुबह मैं यहाँ पर आया। दोनों जो वर्कर्स थे और जो अपने मैनेजमेंट है, दोनों से बातचीत की गई और अब ये निर्णय लिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। मौके पर अभी कुछ मुद्दों को तो अभी सुलझा लिया गया है, बाकी जो उनका रेगुलराइजेशन का मैटर है उसको भी जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। स्ट्राइक जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया है,
स्ट्राइक का भी उनको निर्देश दे दिए गए हैं, हमें जीएम साहब ने दिए और मैंने भी बोला इनको भी काम शुरू करें, तो अभी से शायद ये काम शुरू कर रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।